नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का है। वो वजह जिस वजह से राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया संग तलाक के पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। राजेश खन्ना की जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं रही। काका जैसा स्टारडम किसी दूसरे अभिनेता को नसीब नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब उनका डाउनफॉल आया तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। निजी जिंदगी में भी उन्हें तमाम झटके लगे। अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप के बाद अपने से आधी उम्र की डिंपल कपाड़िया से जब राजेश खन्ना ने शादी की तो पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। डिंपल उस वक्त 15 या 16 साल की थी और बॉबी की शूटिंग कर रही थी। हालांकि डिंपल की माँ इस शादी के सख्त खिलाफ थी। इसकी वजह दोनों की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। वहीं डिंपल के पिता इस शादी के पक्ष में थे। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल कपाड़िया ने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि काका नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करें। शादी के शुरुआती कुछ साल तो अच्छे भी थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और इसकी कई वजहें थीं। पहली तो ये थी कि डिंपल फिल्मों में काम करना चाहती थी, उनके पास तमाम ऑफर आ रहे थे। दूसरी वजह काका का व्यवहार और एटीट्यूड था। बात यहां तक बढ़ गई कि आए दिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई के बाद अक्सर डिंपल रूठकर अपने पिता के घर चली जाया करती थी। हालांकि ये बात भी ठीक है कि काका उन्हें मना लिया करते। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापस जाना मुश्किल लग रहा था। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान दोनों के बीच की तल्खी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 80 के दशक में डिंपल और राजेश खन्ना तलाक लेना चाहते थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। हालांकि राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आ रहे थे और यही वजह थी कि डिंपल कपाड़िया ने तलाक के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया था। वो बगैर तलाक के ही राजेश खन्ना से अलग रहने लगी थी। डिंपल कपाड़िया से दूरी के बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में टीना मुनीम की एंट्री हुई। काका टीना को बेपनाह मोहब्बत करते थे, यहां तक कि उन्हीं के साथ उनके बंगले में रहने लगे थे। टीना भी राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। हालांकि पिंच ये था कि काका ने डिंपल को तलाक नहीं दिया था। टीना लंबे वक्त तक इसका इंतजार करती रही और आखिरकार थक हार कर राजेश खन्ना की जिंदगी से दूर चली गई, बहुत दूर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।